आम आदमी पार्टी की जिला इकाई द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर पार्टी का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के संविधान के साथ साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने दोहराई। साथ ही जिस उद्देश्य के साथ पार्टी की स्थापना हुई थी उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने की बात कही गयी। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात लोगों में संविधान दिवस के मौके पर लोगों को मिठाइयां भी बांटी गई। इस मौके पर आम आदमी पार्टी मुरादाबाद के जिला महासचिव रविंद्र भाटिया ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार से सत्तारूढ़ पार्टियां आम इंसान को ठगने का कार्य कर रही हैं। अधिक जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी मुरादाबाद के जिला महासचिव रविंद्र भाटिया ने कहा कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में भी लोगों के हितों को लेकर मैदान में उतरेगी, ताकि लोगों को सही बात का पता चल सके और वह अपना फैसला ले सके। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी जाबिर हुसैन, रवि कुमार, राशिद सैफी, अजय कुमार, सुशील शुक्ला, नाजिम खान, नसरुद्दीन, आसिफ सैफी, ममता गुप्ता, तनुपाल, विनित जाटव, नसरुद्दीन, राजकमल सिंह, दानिश आदि लोग मौजूद रहे। आज ये जो आम आदमी पार्टी है, जो दिल्ली के अंदर की सरकार चल रही है, हमारी आम आदमी पार्टी, आज उसका 10वां स्थापना दिवस आज हमने अंबेडकर साहब के मूर्ति पर फूल माला अर्पण करके सभी अपना संविधान दिवस मनाया। आज हमें आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये भारत देश की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसकी स्थापना भारत के संविधान के दिन हुई, और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो संविधान का रूप चलने वाली देश की पार्टी है। तो क्या कहने जाएंगे इस मौके पर? आज हम यही कहना चाहते हैं कि जो देश की जितनी भी पार्टियाँ हैं, राजनीति धर्म और जाति के नाम पर ना करके काम के नाम की राजनीति करें। जो सरकार की जिम्मेदारी होती है, बढ़िया अस्पताल बनाए, बढ़िया स्कूल बनाए, और यहाँ के सुरक्षा के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए डार्क एरियों में कैमरे लगाए, जिससे हमारी माता बहनों के साथ बेकानी कम हो सके। जो सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें निभाए, और ये गड्ढा मुक्त सड़कें खत्म कराए, जिससे एक्सीडेंट होते हैं, कि जिम्मेदारी सरकार अपनी माने और इन गड्ढा मुक्त सड़कों को सही कराएं, और जिससे यहाँ के लोगों को आराम मिल सके, क्योंकि जनता ने वोट सरकार को अपने फायदे के लिए दिया था, बढ़िया अस्पताल बनाने के लिए दिया था, बढ़िया सड़कें बनाने के लिए दिया था, लेकिन मुरादाबाद के अंदर कोई भी ऐसी सड़क नहीं है जो गड्ढे से युक्त हो। आने वाले चुनाव में कैसी रहेगी भागीदारी आम पार्टी में? देखिए, इस बार देश के अंदर जो संविधान पे खतरा है, जो बीजेपी सरकार है वो सरकारी संस्थाओं को लगातार प्राइवेट सेक्टरों में बेचती जा रही है, जिससे कि हमारे देश का संवैधानिक ढांचा, जिससे हमारा देश का संवैधानिक ढांचा खतरे में है। सबसे पहले हमारा टारगेट उन लोगों को हटाना है जो हमारे संविधान विरोधी हैं, और तो अब देश को हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ यही एक मोटिव है कि हम इस बीजेपी सरकार को, जो घोटाले वाली सरकार है, उसे कैसे न कैसे हटाया जाए। गठबंधन के साथ लड़ेंगे आप? देखिए, ये उसी नेतृत्व की बात है, गठबंधन होता है या नहीं होता, हमारा पहला टारगेट बीजेपी को हराने का है, क्योंकि बीजेपी जब तक रहेगी इस देश के संविधान को खतरा है। हमारा पहला टारगेट संविधान को बचाना है, और उसके लिए हम गठबंधन तक जा सकते हैं, हमारी पार्टी शीर्ष नेतृत्व इसका निर्णय ले सकता है। हमारा पहला टारगेट बीजेपी को हराने का है।